अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आर्यन बलोच। उम्मीद है सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद, हर बार हर वीडियो में यही होता है कि काफ़ी टाइम बाद ही मुलाकात हो रही होती है आपसे। ना जाने क्यों, क्या ऐसी क्या सुस्ती है। बहरहाल ये व्लॉग नहीं है, ये टेक वीडियो है। सही है, टेक वीडियो से ये मुराद, यानी कि आज जो है एक फ़ोन के अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ, जिसका नाम है ओप्पो रेनो 5। ये अनबॉक्सिंग थोड़ी सी लेट हो गई है, तकरीबन एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता जो है ना लेट हो चुकी है। एक्चुअली ये जो आप मेरे पीछे सेटअप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ये मैं अपग्रेड करने में लगा हूँ आगे, और इसमें जो है इसमें चीज़ें ऐड करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये पूरा अभी जो जितना भी नज़र आ रहा है, इस चक्कर के अंदर जो है ना काफ़ी टाइम लग गया, एक डेढ़ हफ्ता लग गया। तो इस वजह से ये वीडियो रेनो 5 की वीडियो जो है डिले हो चुकी है। तो बाकी बातें साइड में करते हैं, आते हैं ओप्पो रेनो के अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये ओप्पो रेनो का जो है बॉक्स है, ठीक है। रेनो 4 रेनो की जो सीरीज़ होती है, ये टॉप वेरिएंट में आती है, टॉप फ्लैगशिप ही होती हैं ओप्पो की, ठीक है। इसके बाद जो होती हैं वो 1 से 1.5 लाख के करीब तक ओप्पो की जाती हैं, ठीक है। तो ये मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस है 60,000, और मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है आपको कम में देखने का पड़ जाए। लेकिन अभी जो है जिस टाइम मैंने परचेज किया था उसकी प्राइस थी 60,000। बाकी बॉक्स के अंदर की बात कर ली जाए तो हमें एक जो है बुकलेट देखने को मिलती है, एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। बुक है एक तरीके से, छोटी सी बुक जो कि कोई भी नहीं पढ़ता, तो उसको हम जो है साइड पर रख देंगे। उसके बाद देख लिया जाए तो एक सिम इजेक्टिंग टूल है आपकी, रेनो 5 के साथ आती है, इसको हम अभी साइड कर देंगे। जब फ़ोन ओपन करेंगे उसके बाद हम देख लेंगे कितने सिम स्लॉट हैं, क्या इसका सिस्टम, क्या सीन है इसका। अच्छा, ये है वारंटी कार्ड इसका, ये भी बुकलेट की तरह ही आता है। जब मैंने मोबाइल परचेज किया था मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मेरे पास ओप्पो का कोई भी ऐसा साइट नहीं था पहले। ये है एक सिलिकॉन केस, और काफ़ी अच्छी बात है इन फ़ोन्स के जो मिड रेंज के जो होते हैं, और मिड रेंज से थोड़े से जो ऊपर होते हैं उनमें ये केस सिलिकॉन केस आता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मार्केट से परचेज़ करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ आप एक प्रोडक्ट लगाओ मोबाइल चलाओ। तो ये है भाई ओप्पो रेनो 5। अब इसकी जो बात जो है हम थोड़ी सी आगे आगे कर लेंगे, अभी इसको बस थोड़ा सा बाहर निकाल के कवर से, और इसको जो है मैं साइड में रख दूँगा अभी। और बॉक्स के अंदर की बात कर ली जाए तो इसमें एक हेडसेट है 3.5 mm जैक, जो कि ओप्पो के काफ़ी अच्छे हेडसेट होते हैं। और फोकस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। अच्छा, इसको भी साइड में रख देंगे। उसके बाद बॉक्स के अंदर हमें USB टाइप सी देखने को मिल जाती है, और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि इस फ़ोन के अंदर 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट है, मतलब 50 वॉट की जो है इतनी स्पीड से आप चार्ज कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। 30-40 मिनट के अंदर ये फ़ोन पूरा चार्ज हो जाता है। बाकी चीज़ों को रखते हैं हम साइड में। फ़ोन की बात कर ली जाए तो यार काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई ये लगी कि इसका जो बैक है वो प्लास्टिक का है, लेकिन ये प्लास्टिक भी प्रीमियम क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है कोई सस्ता प्लास्टिक लगा दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फील आपको वही ग्लास वाली आती है, लेकिन है ये प्लास्टिक, ठीक है। तो कवर चढ़ा के रखना, हो सकता है स्क्रैचेज आ जाएँ, क्योंकि ग्लास के ऊपर नहीं आते ज़्यादातर जो है प्लास्टिक के ऊपर आ जाते हैं। सिम ट्रे देखते हैं कि इसमें कितनी स्लॉट्स हैं इसके अंदर। तो सिम सिचुएशन जो है इसकी, 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आपके फ़ोन के अंदर लग सकता है, यानी 128 GB अलग है आपकी मेमोरी कार्ड, आप जितने का भी लगाना चाहो। 2 सिम ट्रे अलग से आपको दिए गए हैं। तो मोबाइल जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और लग क्या रहा है बल्कि है ऑलरेडी, और 60,000 के अंदर, 60,000 के अंदर मैं समझता हूँ कि बेस्ट है मोबाइल। तो इसको अब मैं बूट अप करता हूँ, स्टार्ट वगैरह होगा तो इस वीडियो को जो है थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, उसके बाद जो है बस अपने फिंगरप्रिंट वगैरह सेटअप करूँगा जो भी है। तो ये जो है मैंने फिंगरप्रिंट जो इसका है वो इन डिस्प्ले दिया गया, एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स के लिए। और बाकी फ़ोन के फिंगरप्रिंट की बात कर ली जाए इन डिस्प्ले, तो ये यार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है,
और 90 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले लगा है ना इसमें, इसी के जो है ना पैसे, मतलब क्या इसका डिस्प्ले काम कर रहा है, बेहतरीन है ठीक है। गेमिंग के लिए भी अच्छा है काफ़ी मोबाइल। और कैमरा जो है इसका 64 मेगापिक्सल दिया गया है और फ्रंट का 44 मेगापिक्सल है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यार। फिंगरप्रिंट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है इसका, बेहतरीन है। टच की बात कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा दे दिया गया है। और कैमरा जो है बहुत अच्छा है, मिड रेंज के हवाले से मैं कहता हूँ कि 8.5 में। और आपको क्या चाहिए, 720G का जो है चिपसेट लगा गया है इसमें, और गेमिंग के लिए अच्छा है। आप हाई सेटिंग पे आप जो है पबजी खेल सकते हो। 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले भी है, तो डिस्प्ले भी अच्छा है और मतलब गेमिंग के लिए भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, मतलब 8.5 में और क्या चाहिए। और भी ऐसे ऑप्शन है आपके पास, अगर 70 की रेंज में जाओगे तो उसके लिए MI 10T है, जो कि एक फ्लैगशिप चिप सेट के साथ आता है और काफ़ी अच्छा मोबाइल है वो भी। सेटिंग में देख लेते हैं इसमें क्या मिलता है पर्सनलाइजेशन में। इसका जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है भाई इसमें, क्या बात है। ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है देते हैं, मिड रेंज के जो मोबाइल होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देते हैं। और ओप्पो हो गया, वीवो हो गए और MI जैसे मोबाइल हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं सेटिंग्स के अंदर, पर्सनलाइजेशन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे जो है। और देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यार यही सीन है इस मोबाइल का ओवरऑल। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये मोबाइल, 8.5 हज़ार की रेंज में अच्छा मोबाइल है। डार्क मिलर इसमें, एक और मैं आपको बात बताना भूल गया, AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जिसकी वजह से आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा शार्प देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन भी है साइड में, LEDs भी आती हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे मोबाइल की खूबसूरती और उसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दे दिया गया है, और साथ में ये भी ऑप्शन है कि 60 हर्ट्ज़ भी आप ऑन कर सकते हो, डिस्प्ले में यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी जो बैटरी जो है ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म ना हो। इसकी बैटरी जो है 4300 mAh की बैटरी है एंड नॉर्मल है, गुड है। फास्ट चार्जर भी दे दिया गया है, यानी कि अगर पूरा दिन तो चल जाएगी नॉर्मल यूज़ कर, ठीक है। हाई ज़्यादा यूज़ करोगे, गेमिंग वगैरह करोगे तो हो सकता है आधे दिन में बैटरी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आपके पास एक बेनिफिट है, 50 वाट का चार्जर है आपके पास, उसको चार्ज करो और इजीली जो है काफ़ी जल्दी जो है आपका मोबाइल जो है चार्ज हो जाएगा दोबारा से। कैमरा के दोबारा हम जो है रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये मेरा एक 2-3 शॉट्स हैं घर में ही मैंने लिए, तो इसका जो है काफ़ी अच्छा पिक्सल जो है इसमें आ रहे हैं, कलर जो है काफ़ी अच्छे लगे कैमरा के। सोनी का सेंसर इसमें लगाया गया कैमरा में। और वीडियो की बात कर ली जाए तो मुझे एक एज अ ब्लॉगर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपके पास दो ऑप्शन जो है वीडियो में दिए गए हैं, स्टेबलाइजेशन इसके मोबाइल में बिल्ट इन भी है, अल्ट्रा स्टडी मोड भी है, अल्ट्रा स्टडी प्रो मोड भी है, यानी कि सिनेमेटिक्स, तो इस मोबाइल से आप पक्के सिनेमेटिक्स बना सकते हो, काफ़ी अच्छी जो है वीडियो बन सकती है। तो स्लो मोशन में आपके पास दो ऑप्शन है, 720 1080 प्रिंट और 4K अवेलेबल है आपके पास इस मोबाइल में, और 60 FPS भी अवेलेबल है। ये सीन है, इंशाल्लाह व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, दोबारा कोई टेंशन नहीं लो, अभी आपका भाई कहीं नहीं है, अभी सिर्फ जो है इस चीज़ पे फोकस चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये सीन था, काफ़ी अच्छा मोबाइल है और होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मैं काफ़ी कम बनाता हूँ, बल्कि बनाता ही नहीं हूँ कि अनबॉक्सिंग या किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग या किसी चीज़ की रिव्यू वीडियो। तो होप आप लोगों को ये ओप्पो रेनो 5 की अनबॉक्सिंग एंड छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इंशाल्लाह होप के नेक्स्ट व्लॉग ही हो, तो उसमें मुलाकात करते हैं आप लोगों से। तो तब तक के लिए दिस इज आर्यन बलोच, आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।